ओके गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। और डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और वो हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखें तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इसके अंदर जो ये अंडर रूट वाला पार्ट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। और ये हमें बताता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने हैं, और क्या उसके दो सॉल्यूशंस हैं या एक ही सॉल्यूशन है या कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। बारी बारी देखेंगे किन कंडीशंस पे हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक सॉल्यूशन होता है या कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता। लेट्स से मेरे पास एक गिवन कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा ऐसे केस के अंदर मेरे पास एक्स के दो सॉल्यूशंस होंगे या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे या दो आंसर्स होंगे। और इस तरह के केस के अंदर जो मेरे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा वो डेफिनेटली एक ऐसा ग्राफ होगा जिसके दो एक्स इंटरसेप्ट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स के सॉल्यूशंस हमें एक्स का इंटरसेप्ट बताते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर इस तरह का हमारे पास गिवन कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो इट मीन्स के इट हैज़ टू रियल सॉल्यूशंस एंड टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंडीशन व्हिच इज़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस कंडीशन में हमारे पास एक्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, या पैराबोला जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह का होगा। जहाँ पे हमारा पैराबोला इस एक्स एक्सिस की लाइन को सिर्फ टच कर रहा होगा, और जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा होगा वो हमारा सिंगल एक्स का सॉल्यूशन होगा। एंड सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो, एंड इस केस में वी विल नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन। इस केस में जो हमारा पैराबोला होगा वो देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं भी नहीं कट कर रहा, ऑल्दो इट कैन कट वाई एक्सिस बट एक्स एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। लेट्स मूव ऑन एंड सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और इसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और इसके अंदर हमें बताना है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे विदाउट सॉल्विंग इट। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इस पर्टिकुलर केस में फोर ए हो जाएगा हमारे पास फोर, बी विल बी माइनस टू एंड सी विल बी वन। और हमारे पास गिवन कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिस्क्रिमिनेंट की। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसके अंदर मैं वैल्यू उसको पुट डाउन करूँगा, बी जो है मेरे पास माइनस टू है उसका मैं स्क्वायर ले लूँगा, फिर माइनस फोर एज इट इज़ फॉर्मूले का आ गया, एंड देन ए इज़ अगेन फोर एंड सी इज़ वन। टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे होगा फोर, एंड फोर फोर जाए सिक्सटीन, एंड सिक्सटीन मल्टीप्लाई वन इज माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन प्लस फोर विल गिव मी माइनस ट्वेल्व, एंड माइनस ट्वेल्व इज लेस देन ज़ीरो। सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन ज़ीरो वी कैन से दैट नो real solution exists. क्योंकि हमारे पास given condition या given answer जो आ रहा है discriminant का
वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है, माइनस 12 आ रहा है, सो हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इस गिवन एग्जांपल में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, और हमें ये भी गिवन है कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, ये यहाँ पे मेंशन है, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप अक्सर अपने पास पेपर्स में देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को काउंटर करने का ये तरीक़ेकार है कि आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से सॉल्व करें। और इस केस के अंदर हमारे पास ए है 4, बी है -2 एंड के सी एस के। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास कंडीशन गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और मैंने इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि x का यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यानी कि इस गिवन इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इस वजह से मैंने इसको इक्वल्स टू ज़ीरो लिया है। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को इस गिवन इक्वेशन में पुट अप करता हूँ। b की जगह आ जाएगा मेरे पास -2 का स्क्वायर, -4 एज इट इज आएगा, a की जगह आएगा 4 एंड c विल बी k इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरे पास 4 एंड -16 k इक्वल्स टू 0 एंड 16 k will be equals to 4 and k will be 4 upon 16 और k को आप 1 upon 4 भी लिख सकते हैं। सो फाइनली मैंने k का आंसर यहाँ पे, या k की वैल्यू फाइंड कर ली, जिसके लिए ये इक्वेशन हमेशा एक ही सोल्यूशन देगी। ओके गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मुझे गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड इट हैज़ रियल रूट्स। सो इस तरह के सवाल को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं अपनी ए बी और सी की वैल्यू को। ए की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे 4, बी की वैल्यू है के एंड सी इज 1 and according to the given condition b square minus 4ac must be greater than 0, क्योंकि greater than 0 जब भी होगा तभी हमारे पास दो real roots होंगे। अब हम सारी values को put up करते हैं अपनी इस condition में। so b will be k square minus 4 as it is आएगा, a is 4 and c is 1 and this whole term is greater than 0, so I'll be left with k square minus 16 greater than 0 and k will be equals to plus minus 4 square root लेने के बाद 16 का। देखना ये है कि k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही है। सो इसके लिए अगेन हम अपनी इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ की अप्रोच को यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास हमें पता है कि क्योंकि दो रियल रूट्स हैं तो हमारे पास दो एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो एक्स या इंटरसेप्ट जो है वो माइनस 4 से लेके 4 तक हैं, और जो मेरा रीजन है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है। सो दिस विल बी माई रीजन, और क्योंकि मेरे पास ये रीजन है तो x जो है मेरा वो, या k जो है मेरा वो होना चाहिए k मस्ट बी लेस देन -4, तभी मैं इस रीजन में होऊंगा, अदरवाइज आई विल मूव टू दिस रीजन एंड k मस्ट बी ग्रेटर देन 4, तभी मैं इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इस रीजन से बाहर आ जाऊंगा। सो ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं केस की, कि के जब भी हम लेस देन -4 रखेंगे तब हमारे पास रियल रूट्स आएंगे, और के जब भी हम ग्रेटर देन 4 रखेंगे तब हमारे पास
रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और ये पार्ट जिसकी समझ में ना नहीं आया कि मैंने इनइक्वेलिटी से किस तरह से ये चीज़ डिफाइन करी के की वैल्यू, सो वो मेरी क्वाड्रेटिक इनइक्वेलिटीज़ की वीडियोस को जाके देख सकता है। गाइस ये एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होती है, अक्सर लोगों को इस तरह के एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लोग। सो इसको सॉल्व करते हैं और ये आज की वीडियो की आखिरी एग्जांपल है। के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के, इसके अंदर ये हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें के के लिए इसे सॉल्व करना है। और हमें गिवन कंडीशन जो है वो ये है कि एक्स के जो दोनों रूट्स हैं वो रियल हैं या एक्स के दोनों सोल्यूशन हैं वो रियल हैं। सो इस कंडीशन में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और यहाँ पे हमें सबसे पहला काम ये करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा ए बी और सी की वैल्यू। ए इस केस में के है, बी जो है इस केस में वो है माइनस सिक्स एंड सी इज के अगेन। सो बी की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर एज इट इज आ गया, ए की जगह के आ गया और सी की जगह अगेन मेरे पास के है एंड दिस होल टर्म इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ओके। माइनस सिक्स का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे तो ये होगा मेरे पास 36 और माइनस के स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, जो दोनों तरफ माइनस 36 करूँगा मैं, ये हो जाएगा माइनस 36 प्लस 36, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 36 ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस विल कैंसिल आउट एंड देन अब मुझे यहाँ पे माइनस साइन से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे अपनी इनइक्वालिटी अगेन चेंज करनी पड़ेगी। सो के स्क्वायर शुड बी लेस देन 36 एंड के स्क्वायर लेस देन 36 डिवाइड बाय 4। सो के स्क्वायर विल बी लेस देन 9 एंड के विल बी नथिंग बट प्लस माइनस 3। अब मुझे ये पता करना है कि कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी प्लस के साथ और माइनस के साथ, तो उसके लिए हम वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की जो ग्राफ की अप्रोच होती है उसी को हम यूज़ करेंगे। और इस केस में मेरे पास क्योंकि ये दोनों रियल रूट्स हैं तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास दो इंटरसेप्ट होंगे एंड एक इंटरसेप्ट मेरे पास माइनस 3 है, ये हमने अज्यूम किया है माइंड यू, और ये एक इंटरसेप्ट हमारे पास 3 है एंड सिंस रीजन इज लेस देन, सो लेस देन का मतलब है कि मेरे पास जो रीजन एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में वो ये वाला रीजन है, ये रीजन है मेरे पास और इस रीजन का मतलब है दैट माई के मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन पॉजिटिव 3। सो आई कैन ईजिली से दैट माई के विल बी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन माइनस 3 एंड दिस इज माई आंसर। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। थैंक यू, गुड बाय।